ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिक्स योर स्किल सेट एंड टेक्नोलॉजी स्टैक कि कौन से मतलब अभी आपको पता है कि ये पूरा स्किल्स का जमाना है, आपके पूरा इंटरव्यू जो होगा आपका स्किल्स का या स्किल्स पे इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आपको आपकी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी स्टैक फाइनल करना है। आप जावा में अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपका स्किल्स होगा HTML, CSS, JavaScript, देन कोर जावा, फिर आपको जावा बेस्ड फ्रेमवर्क जो होते हैं उनको भी सीखना है, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, फिर हाइबरनेट हो गया, फिर वेब सर्विसेज। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट वेब पे जा रहे हैं तो आपको वेब सर्विसेज भी आना चाहिए। डेटाबेस इज मैंडेटरी, ठीक है। और इन एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करते हैं, तो वो ये आपका हो गया स्किल सेट। वंस यू फाइनलाइज द स्किल सेट, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस स्किल सेट, ओके, और गेट सम हैंड्स ऑन दिस स्किल्स। सपोज यू वांट टू लर्न स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट पे सो कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम सब लिख के रखो, लिख के उसका टाइप करके देखो वो कैसे इंटरनली कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट होते हैं। ये हो गया, ये प्रिपरेशन कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपका रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे में ये सारे स्किल्स मेंशन करनी है ताकि कल कोई कंपनी अगर कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है तो वो क्या करता है कि ATS टूल यूज होता है कंपनी में। वो क्या करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपका रिज्यूमे कंपेयर करता है और उसके बेसिस पे वो रैंकिंग करता है। एक रिक्वायरमेंट के लिए अगर 100 रिज्यूमे आए तो 100 स्टूडेंट्स का कंपनी इंटरव्यू नहीं लेती, सिर्फ उसमें से 20 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं और उनके ही इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स में आपका रिज्यूमे कैसे आए, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर स्किल सेट टेक्नोलॉजी स्टैक आपके रिज्यूमे में हाईलाइट करना पड़ेगा, और ATS आपका रैंक जो बढ़ा के देगा। तो फर्स्ट 20 में आ गए तो आपका मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि आपका रिज्यूमे HR तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पे मतलब आप रिक्रूटर्स को सर्च कर सको या रिक्रूटर आपको सर्च कर सके, या उनको आपका अगर बैकग्राउंड वेरीफाई करना है तो योर प्रोफाइल शुड बी अपीयर इन लिंक्डइन सर्च। फिर लिंक्डइन पे भी आपका पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपने कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, आपको कौन से स्किल सेट आते हैं, फिर आपका 10th 12th, फिर आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, और लिंक्डइन भी कुछ क्विजेस आपने दिए हैं या नहीं, जहाँ से आप लिंक्डइन सर्टिफाई करता है कि आपको ये टेक्निकल स्किल्स में आप परफेक्ट हो या नहीं। तो ऐसे आप आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि अभी आपको इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है, क्योंकि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सिर्फ आप ये एक चीज सीख रहे हो, दूसरा सीख रहे हो, तीसरा सीख रहे हो, तो ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो तो वो कहीं पे तो यूज होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में हम 4 साल सीखते हैं, लेकिन 4ों साल का इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता। आउट ऑफ 4 ईयर्स इंटरव्यू इट विल हेल्प ओनली 2% to 3% इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो कंपनीज ज्यादा फोकस करती है जिस चीज पे, तो वैसे ही वो चीज ध्यान में रखे ही आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे हो गया कि कंपनी प्रोग्रामिंग पे फोकस करती है, तो प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करो या वैसा स्किल सेट डेवलप करो। इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और उनको आंसर कैसे करना है आप उसका प्रैक्टिस शुरू कर दो।